तो क्वेश्चन मुझे पता चल रहा है लॉस सैंटोस में एक खतरनाक सा कंपटीशन चल रहा है जिसमें हम गोकुलधाम सोसाइटी जीत सकते हैं। तो क्वेश्चन अभी मैं गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर आ चुका और लगता है ये कंपटीशन इधर ही चल रहा है। चलो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से ये कौन सा कंपटीशन है, मुझे भी गोकुलधाम सोसाइटी जीतनी है। आप सबका स्वागत है इस चैलेंज में। इस चैलेंज में आप जीत सकते हैं गोकुलधाम सोसाइटी। इस बच्चे के साथ आपको एक चैलेंज करना पड़ेगा, फिर आप जीतने वाले ये खतरनाक सा प्राइज। ये खतरनाक सी गोकुलधाम सोसाइटी जो कि तुमको मिलने वाली है 20 सुपर कार्स के साथ। क्या एक तो पहले से गोकुलधाम सोसाइटी उसके ऊपर 20-20 सुपर कार्स, क्या चैलेंज होने वाला है? इस चैलेंज में अगर तुम इस बच्चे को हराते हो तो ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी और ये सारी की सारी गाड़ियां तुम्हारी होने वाली है। कौन कौन आना चाहेगा? मैं करना चाहूंगा ये चैलेंज। आओ बच्चे, क्या तुम ये चैलेंज करना चाहते हो? हाँ, मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ। लड़के तुम्हें इस बच्चे को हराना पड़ेगा, उससे पहले तुम्हें अपनी घर की चाबी और अपनी गाड़ी की चाबी इधर रखनी पड़ेगी। क्या अपने घर और गाड़ी की? क्यों? बच्चे अगर इस चैलेंज में तुम हारते हो तो तुम्हारा घर और तुम्हारी गाड़ी हमारी हो जाएगी, पर अगर जीतोगे तो ये पूरा गोकुलधाम और वो सारी की सारी गाड़ियाँ तुम्हारी हो जाएगी। क्या अगर मैं हारा तो मेरा घर और गाड़ी तुम्हारी? हाँ बच्चे, पर सोचो अगर तुम जीत गए तो ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तुम्हारी हो जाएगी। पर यहाँ बात तो सही है। एक सेकंड, ये अंकल क्यों रो रहे हैं? अरे मैंने भी ये चैलेंज करने की कोशिश करी थी, मैं हार गया। ये हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, इनके साथ मत करना चैलेंज। ये तो बहुत ही कमजोर है, पर क्या तुम कमजोर हो? नहीं मैं कमजोर तो नहीं हूँ, और ये देखो सर ये कितना ज्यादा मोटा इंसान है, मुझे नहीं लगता ये कोई भी चैलेंज कर सकता है। मैं तैयार हूँ चैलेंज करने के लिए। तो अपनी गाड़ी और घर की चाबी रख दो। ओके अंकल। तो गाइजर ये है गोकुलधाम सोसाइटी के गेट की चाबी, और गाइजर ये है मेरे घर और मेरी गाड़ी की चाबी। चलो बच्चे तुम्हारा कॉम्पिटिशन होने वाला है इस बच्चे से। क्या तुम तैयार हो जीतने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो अगर तुम्हें गोकुलधाम सोसाइटी जीतनी है तो तुम्हें इस बच्चे को रेस में हराना पड़ेगा। बीच में है बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, इस ग्राउंड का पूरा चक्कर काट के इस चाबी को टच करना पड़ेगा। अगर तुमने इस लड़के से पहले कर दिया तो तुम गोकुलधाम सोसाइटी जीत जाओगे। चलो शुरू करते हैं। चलो गाइजर मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बहुत ही तेज मैं भागने वाला हूँ ताकि मैं जल्दी से गोकुलधाम सोसाइटी जीत जाऊँ। ये बच्चा मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये इतना सा तो है। इसके पैर देखो कितने ज्यादा छोटे, मेरा एक कदम इसके 5 कदम के बराबर है, तो मैं आराम से इसको जीत सकता हूँ। चलो गाइजर मैं तैयार हूँ, 3-2-1 गो। चलो गाइजर फटाफट से भागते हैं, और ये बच्चा मेरे साथ कैसे रहे? रुक जा दे दिया पे चढ़ते, यहाँ से चढ़ते फटाफट से, ये बच्चा मेरे से पीछे रह जाएगा। जल्दी चलो गाइजर, मुझे लगता है मैं ही जीतने वाला हूँ, ये बच्चा कभी नहीं जीत सकता, मुझे जल्दी चलना पड़ेगा। भागो मुझे वो गोकुलधाम सोसाइटी जीतनी है। और गाइजर अगर मैं गोकुलधाम सोसाइटी जीत गया मतलब जेठालाल टप्पू भीड़े सब कैसा मुझे अपने आप मिल जाएंगे, मतलब उनके साथ रोज मैं क्रिकेट खेलूंगा, बहुत ही मजा आएगा। जल्दी भागते हैं, जल्दी भागो, मुझे इस रेस को कैसे भी करके जीतना है। मैं तो गिर गया। ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। अरे कैसर ये क्या, ये बच्चा तो आगे चला गया, आप मुझे कभी नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये रेस मैं जीतने वाला हूँ। अरे काइजर ये क्या हो गया, मैं तो बच्चे से पीछे रह गया। अरे मैं उधर से ऑब्स्टिकल से उतर नीचे गिर गया था, ये नहीं हो सकता, ये बच्चा जीत जाएगा, मुझे जल्दी से पहुंचना पड़ेगा। भागो जल्दी भागो। रुक जा बच्चे, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। अरे काइजर ये बच्चा तो वहां पर पहुंचना पड़ेगा, अरे मुझे जल्दी से पहुंचना पड़ेगा। मैं जीत गया। रुक जा, ऐसा नहीं हो सकता अंकल, मैं तो जीत गया, आप तो हार गए। बच्चे तुम ये चैलेंज हार चुके हो, इसका मतलब तुम्हारा घर और तुम्हारी सारी गाड़ियाँ मेरी हुई। चलो बच्चे तुम्हारे घर चलते हैं। फिर अंकल मेरी बात सुनो, इसने चीटिंग करी है, मैं नीचे गिर गया था ना, फिर इसने रेस कंप्लीट करी। वो सब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारा घर चाहिए, उस घर की चाबी और तुम्हारे गाड़ी की चाबी मेरे पास है, जल्दी से लोकेशन बताओ। अरे अंकल ऐसा मत करो, मुझे नहीं पता था ये बच्चा जीत जाएगा, मुझे भी नहीं पता था कि मेरा कच्चा नीचे उतरा हुआ है, पर अब पता चल गया है और तुमको भी पता चल चुका है कि तुम हार चुके हो। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। नहीं तुम्हारे नहीं, चलो मेरे घर चलते हैं। अरे अंकल ऐसा मत करो, मेरे घर को मत लो। बच्चे जो होना था हो चुका है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। तो गाइजर अभी मैं इनको लेके जा रहा हूँ अपने घर पे, क्योंकि गाइजर मैंने इनसे शर्त लगाई थी कि मैं उस बच्चे को हरा दूंगा, पर गाइजर मैं उसको नहीं हरा पाया और मैं अपना घर जरूर हार गया। आ जाओ अंकल, यही मेरा घर है। अरे अभी तक आपने अपना कच्चा नहीं पहना पैरों ना, और इस बच्चे की तो ऐसी की तैसी, एक बार उसको मारूंगा जरूर। आ जाओ अंकल, आप
आपका आपके घर में स्वागत है। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बहुत खतरनाक है। तुम्हारे घर में तो स्विमिंग पूल है, बाथटब है, और ये क्या, मुझे यहाँ पे टेलीस्कोप भी दिख रहा है, बड़ी बड़ी टीवी, बड़ा बड़ा रेडियो, बड़ा बड़ा किचन। तुम्हारा घर तो बहुत खतरनाक है। चलो तुम्हारी गाड़ी दिखाओ। अंकल मेरे पास दो गाड़ी है, एक कार एक बाइक। ये बढ़िया सी मेरी बाइक, ये मेरी राम प्यारी अंकल की हो चुकी है। वाह, इसका नाम राम प्यारी है, मुझे अच्छी लगी। चलो इस घर से तुम बाहर निकलो। अंकल प्लीज कुछ तो कर लो, मैं अपने घर छोड़ के नहीं जा सकता। मैं अगर घर छोड़ दूंगा तो मैं रहूंगा कहाँ पे? मुझे क्या पता, जा रहना है वहाँ रहो, पर इधर से बाहर निकलो। अरे अंकल प्लीज ऐसा मत करो। निकलो ऐसे वरना पुलिस को बुलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे घर की चाबी और गाड़ी की चाबी मेरे पास है। अच्छा रुक जाओ अंकल, मैं शिनचैन को तो बाहर लेके आऊँ। शिनचैन? क्या वो तुम्हारा कुत्ता है? नहीं रे, शिनचैन मेरा कुत्ता नहीं है, वो मेरे साथ रहता है। शिनचैन, ओ शिनचैन। नाम जलेबी भाई, अहे जलेबी भाई। अबे शिनचैन मेरी बात सुन। अरे विक्की मैम आ गए। अरे विक्की मैम, ये लोग कौन है? शिनचैन ये लोग वो है जो कि आज से इस घर में रहने वाले हैं। अरे विक्की मैम क्या मजाक कर रहे हो, तो हम कहाँ पे रहेंगे? शिनचैन हमको रोड पे रहना पड़ेगा, क्योंकि शिनचैन मैंने इनके साथ एक शर्त लगाई थी इस बच्चे को एक रेस में हराने की, और उस रेस में मैं हार गया, इसलिए हमारा घर और हमारी गाड़ियाँ इन अंकल की हो चुकी है। अरे विक्की मैम क्या बोल रहे हो? हाँ शिनचैन मैं सच बोल रहा हूँ। अरे विक्की मैम ऐसे कैसे हो सकता है, आज तो मैंने नन्हे को दीदी को बुलाया था डिनर पे। शिनचैन तुझे वो डिनर कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये घर हमारा नहीं रहा, हमें इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी निकलो, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ जा रहे जा रहे, चल शिनचैन हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। अरे विक्की मैं अपने घर नहीं छोड़ के जाऊंगा। शिनचैन हमें जाना पड़ेगा, वरना हमें पुलिस ले जाएगी। अरे विक्की मैं आपने ये क्या कर दिया? शिनचैन मुझे लगा था मैं इस बच्चे को हरा दूंगा, पर मैं नहीं हरा पाया और मैं अपना घर ही हार गया। चल शिनचैन हमें ऐसे जाना पड़ेगा। मैं सबको एक मौका और देता हूँ। क्या एक और रेस? नहीं नहीं नहीं, अब कोई रेस नहीं होने वाली। अगर तुम्हें अपना घर वापस चाहिए तो तुम मुझे 100 मिलियन डॉलर्स लाके दो। अगर तुम मुझे 100 मिलियन डॉलर लाके देते हो तो मैं तुम्हें ये घर वापस दे दूंगा। क्या वापस दे दोगे? हाँ, घर गाड़ी सब तुम्हारा 100 मिलियन डॉलर्स में। ओके अंकल मैं कोशिश करूंगा, पर मैं 100 मिलियन कहाँ से लाऊंगा? गाइस अभी मेरे पास सिर्फ 2 मिलियन डॉलर्स है और मुझे चाहिए 100 मिलियन, मतलब 98 मिलियन डॉलर्स और चाहिए अगर अपने घर को वापस से खरीदना है। तो कैसर हम अपने घर को ऐसे छोड़ नहीं सकते, हम अपने घर को वापस से खरीद के रहेंगे, पर उसके लिए हमें चाहिए होंगे 98 मिलियन डॉलर। वो कहां से लाऊंगा मुझे नहीं पता। और कैसर हम अपनी गाड़ी से भी नहीं जा सकते, क्योंकि अपनी गाड़ी भी हार चुके उस शर्त में। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे हमें मिल सके 100 मिलियन डॉलर्स और हम अपने घर को वापस से खरीद पाए, वरना हमें हमेशा के लिए रोड पर रहना पड़ेगा, और मैं रोड पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। तो कैसर फटाफट से कुछ खतरनाक प्लान कर दो, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करोगे उतना ज्यादा गुड लक हमारा बढ़ने वाला है। चलो फटाफट चलते हैं, 100 मिलियन डॉलर जमा करते हैं। तो गाइस जल्दी से जल्दी अपने घर को वापस लाने के लिए हमें चाहिए 100 मिलियन, और जल्दी से जल्दी 100 मिलियन कमाने के लिए हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, जो कि चोरी करना। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम 100 मिलियन कमा सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो गाइस उसके लिए मैं आ चुका हूँ वेपन शॉप में। मेरे पास जो 2 मिलियन है मैं उनको खर्च करने वाला हूँ बहुत सारी गन्स लेने के लिए, ताकि कैसर हम ढंग से अपनी चोरी कर पाए। अभी तक मैंने ये तो नहीं सोचा कि मैं कौन सी चोरी करूंगा, पर यार मैंने गन्स अपनी सोच ली। ग्रेनेड लॉन्चर ले लेते, आरपीजी ले लेते, मिनी गन अपन ले लेंगे, और यहाँ पे जितनी भी शॉर्ट गन्स है इनको भी ले लेते हैं, ये क्लोज के लिए हमें काम आएगी, और ये भी ले लेते हैं, ये AKM भी ले लेते हैं, और ये वाली शॉर्ट गन भी ले लेते, तो लगता है इतना बहुत रहेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा आर्मर भी ले लिया जाए, क्योंकि जहाँ पे हम चोरी करेंगे वो बहुत ही खतरनाक जगह हो सकती है। तो कैसर गन्स हमने खरीद ली, आर्मर हमने खरीद ली, अब बारी चोरी करने की। कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे हम चोरी करें तो हमें सबसे ज्यादा पैसा मिले, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। रुक जाओ मुझे पता है मुझे कहाँ पर चोरी करनी है। गाइस पुलिस यार जितने भी चोर पकड़ती है उन सबको जेल में डाल देती है, और उन चोरों ने जो भी सामान चुराया होता है वो पुलिस स्टेशन में रहता है। तो थोड़े दिनों पहले न्यूज आई थी कि ज्वेलरी शॉप लूटा गया था, फिर बैंक रॉबरी हुई थी, तो वो सारा का सारा पैसा और ज्वेलरी शॉप की सारी ज्वेलरी वो पुलिस स्टेशन में ही होती है। तो गाइस मैंने सोचा है पुलिस स्टेशन में रॉबरी करने का। अब यार पुलिस स्टेशन में रॉबरी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे खुद यार पुलिस वहाँ पर रहती है और वो हमें कभी भी जेल में डाल सकती है। पर गाइजर हमें अपने घर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं जाने वाला हूँ पुलिस स्टेशन में रॉबरी करने। चलो फटाफट से चलते हैं। तो गाइजर अभी शिनचैन बिल्कुल तैयार है और मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ उस खतरनाक से पुलिस स्टेशन में रॉबरी करने के लिए। अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, सामने हमारा पुलिस स्टेशन है और इसमें हम रॉबरी करने वाले हैं। और गाइजर यहाँ पे मुझे पुलिस वाला दिख रहा है, आप देख सकते हैं पुलिस वाले घूम
घूम रहे यहाँ पे। पर अगर हमें अपने घर को बचाना है तो रॉबरी तो करनी पड़ेगी। चलो गाइस फटाफट से पुलिस स्टेशन के अंदर घुसते हैं, सबके साथ हट जाओ। ओह यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, मैंने सोचा यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले होंगे। एक सेकंड, ये पुलिस वाले मुझे बाहर से मार रहे हैं। अरे लगता है सारे के सारे लॉस सैंटोस पुलिस वालों को पता चल चुका है कि मैं यहाँ पर रॉबरी करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो मुझे लॉकर ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पर है वो लॉकर जिससे हम सारा का सारा पैसा हमें मिलने वाला है। चलो फटाफट से। एक सेकंड, यहाँ पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ी आ रही है जो कि मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। अरे हट जाओ पुलिस वालों। तो गाइस मुझे जल्दी से जल्दी वो लॉकर ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर क्या मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा। अबे शिनचैन क्या कर रहा है? अरे देखिए मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अबे शिनचैन ये डरने का टाइम नहीं, कुछ करने का टाइम है। हमें सारे के सारे पुलिस वालों को मारना पड़ेगा। ये क्या, ये तो अंदर आ रहे हैं। जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे गाइस ये पुलिस वाले तो अंदर आने लग गए। रुक जाओ, अभी यहाँ से बॉम्ब फोड़ना पड़ेगा, इन सारे पुलिस वालों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। जल्दी से मुझे वॉल ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ पे बम ब्लास्ट करके। रुको मुझे बॉम्ब मिल गया, एक और बॉम्ब यहाँ पर मुझे मिल चुका है। चलो गाइजर फटाफट से चलते हैं। और गाइजर हमें ये वॉल्ट मिल चुका है। तो गाइजर इस वॉल्ट को हमें ब्लास्ट करना है, हम इसको गोलियों से नहीं खोल सकते, इसलिए हमें बॉम्ब ढूंढने पड़ेंगे ताकि हम इसको ब्लास्ट कर सके। जल्दी जल्दी और भी बॉम्ब ढूंढते हैं। अरे हट जाओ, ये सारे के सारे पुलिस वाले अंदर आते जा रहे। ये लो ये लो ये लो। वो तो अच्छा है मैंने यार आर्मर खरीद लिया था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे बचा हुआ हूँ, वरना मैं कब का मर चुका होता। मुझे एक और बॉम्ब ढूंढना है, कहाँ पर मिलेगा मुझे जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस मुझे एक और बॉम्ब अपना यहाँ पर मिल चुका है, हमारा काम हो चुका है। तीन बॉम्ब हमें मिल चुके हैं और इन तीन बॉम्ब से उस वॉल्ट को हम ब्लास्ट करने वाले। और गाइस जब यार पुलिस वालों ने पूरा का पूरा वॉल्ट बना रखा है, इतना बड़ा डोर बना रखा है, मतलब यार बहुत ही ज्यादा कुछ कीमती इसमें होने वाला है। चलो फटाफट से यहाँ पे उसके बॉम्ब लगा देते हैं। ये लगाया एक, ये लगाते हैं दूसरा, और ये तीसरा भी फटाफट से लगा देते ताकि पूरा का पूरा डोर ब्लास्ट हो जाए। चलो फटाफट से यहाँ पे खड़े होते हैं। 3 2 1 बूम। और गाइस हमारा पूरा का पूरा डोर यहाँ पर ब्लास्ट हो चुका है। चलो फटाफट से अंदर चलते हैं। आप देखो तो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो चुका है। जल्दी जल्दी इनको लूटना शुरू करते हैं, देखते हैं इन खतरनाक से अंदर क्या है। चलो फटाफट से इसको भी निकालते और अपने पास रख लेते हैं। इन बैग में बहुत ही ज्यादा कीमती चीजें होने वाली है, इसलिए इनको फटाफट से लूटना पड़ेगा। जल्दी जल्दी लूटते हैं। तो गाइस अभी इस गेट में स्मोक बॉम्ब फेंकने वाला हूं ताकि ज्यादा पुलिस वाले यहाँ पे आ ना सके, फिर भी यहाँ पे आते जा रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ पर बहुत सारा कैश पड़ा है, मुझे सारा का सारा लूटना पड़ेगा। गाइस आप देख सकते हो कितना सारा कैश यहाँ पर पड़ा है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमें सारी की सारी चीजें भरते जा रहे हैं, और आप देख सकते हो 1.8 मिलियन डॉलर हमारे से ऑलरेडी हो चुके। देखते हैं हमें कितने मिलने वाले इस पूरी हाइस्ट को चोरी करने में। शिनचैन बाहर है, पुलिस वालों को रोक के रखा, मैं यहाँ लूटने वाला, और हमारे पास 2 मिलियन डॉलर हो चुके। जल्दी जल्दी लूटते जाते हैं। अभी आप देख सकते हो हमारे पास 2.2 मिलियन डॉलर हो चुके, 2.3। मुझे लगता है आराम से 5-10 मिलियन डॉलर तो हमको इधर मिल ही जाएंगे, पर हमें 98 मिलियन डॉलर चाहिए। नहीं, अब तो पूरे 100 ही चाहिए, क्योंकि गाइस हमने 2 मिलियन डॉलर वेपन्स लेने में खर्च कर दिए थे। चलो फटाफट से यहाँ पे जितना भी कोकेन है इनको सारा का सारा हम लेने वाले, फिर इनको बेचेंगे बहुत ही ज्यादा महंगे प्राइस में। और अभी आप देख सकते हो हमारे पास 3 मिलियन डॉलर हो चुके, फटाफट सारा का सारा बैग में डालने वाले हैं, बस 4 मिलियन डॉलर होने ही वाले हैं। तो गाइस फटाफट से सारा का सारा लूटते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास कितने पैसे होने वाले हैं। तो गाइसर ये आखिरी हमने सारा का सारा कोके ले लिया, और गाइसर हमारे पास हो चुके हैं 5.8 मिलियन डॉलर्स। एक सेकंड, लगता है यहाँ पे थोड़ा सा और बच चुका है, तो इनको भी हमें लूटना पड़ेगा। फिर देखते हैं हमारे पास टोटल कितना हुआ है। मुझे लगता है 7 मिलियन डॉलर्स कुछ हमें मिलने वाले हैं। चलो वो तो पता चली जाएगा, 6 मिलियन डॉलर्स हो चुके हैं। तो गाइसर मुझे लगा था सिर्फ एक रॉबरी करने से हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा, पर गाइसर हमें यार एक और रॉबरी इसके बाद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें से हमें सिर्फ 7 मिलियन डॉलर्स मिलने वाले हैं, और उसके बाद 93 मिलियन डॉलर्स और चाहिए होंगे। तो गाइस फटाफट से अभी सबको हमने लूट लिया है, और मेरे पास हो चुके हैं 6.5 मिलियन डॉलर्स। तो गाइस अभी हमको सारा सारा लूट लिया, और मेरे पास हो चुके हैं 7 मिलियन डॉलर्स। जैसा कि हमने सोचा था कि 7 मिलियन डॉलर्स होने वाले, और हमारे पास 7 मिलियन हो भी चुके हैं। और अभी हम पुलिस स्टेशन से बाहर निकल चुके, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। चलो गाइस फटाफट से यहाँ से निकलते, उससे पहले ये पुलिस वालों को पता चले और ये क्या हेलीकॉप्टर आ गया। अरे मैं बोलने वाला था पुलिस वालों को पता चलने से पहले निकलेंगे, पर ये पुलिस वालों को पता चल चुका, और ये हेलीकॉप्टर और सामने बहुत सारी पुलिस की गाड़ी आ चुकी है। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्दी से निकलते हैं। तो गाइस मुझे 7 मिलियन डॉलर्स तो मिल चुके हैं, पर गाइस 7 मिलियन से हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमें बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए हमें एक और रॉबरी करनी पड़ेगी, और इस बार छोटी मोटी रॉबरी से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत बड़ी रॉबरी करनी पड़ेगी। और बहुत बड़ी रॉबरी करने के लिए हमें एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा, और प्लान बनाने से पहले पुलिस वालों से एस्केप करवाना पड़ेगा, वरना
पुलिस वाले मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे। जिस जेल से मैं सारा का सारा पैसा चुरा के लाया हूँ उसी जेल में मुझे डाल देंगे और चक्की पिसवाएंगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो फटाफट से एस्केप करवाते हैं पुलिस वालों से। तो गाइस अगर आप चाहते हो मैं इन पुलिस वालों से जल्दी से जल्दी एस्केप करवाओ तो फटाफट से कमेंट में लिख दो एस्केप। अगर आप कमेंट में एस्केप लिखोगे तो मैं जल्दी से जल्दी इनसे एस्केप करवा पाऊंगा, तो फटाफट से लिख दो और मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हूँ जब तक। अरे ये पुलिस वाले तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मुझे जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अरे ये सामने कहां से आ गया, रुक जाओ पहाड़ों पर जाते, पहाड़ों पर पुलिस वालों को आने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो गाइस बहुत देर से मैं पहाड़ों पर घूम रहा हूँ और मेरे पीछे से पुलिस हट चुकी है, पुलिस वाले मुझे पहाड़ों पर नहीं ढूंढ पाए। और गाइस हमारे पास हो चुके टोटल 7 मिलियन डॉलर्स। अब हमें 93 मिलियन और चाहिए अगर अपने घर को बचाना है, और कैसे भी करके मैं अपने घर को बचा के रहूंगा। चलो फटाफट से अपनी अगली चोरी प्लान करते हैं। तो गाइस अगला प्लान हमारा बन चुका है, मुझे पता है अपनी अगली रॉबरी कहाँ करनी है। ये रॉबरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि हम रॉबरी करने वाले हैं एयरपोर्ट पर। और आप सोच रहे होंगे कि एयरपोर्ट पे कौन सी रॉबरी होती है, अभी आपको दिखाता हूँ कितना खतरनाक प्लान बना के लाए हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो ये प्लेन करने वाला है टेक ऑफ, और गाइस इस प्लेन में बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा। हमें आराम से 100 मिलियन डॉलर्स तो मिल ही जाएंगे, इसलिए इस प्लेन में हम रॉबरी करने वाले हैं उसके लिए मुझे इस प्लेन के अंदर घुसना पड़ेगा। तो गाइस हमें इस प्लेन के अंदर कैसे भी करके घुसना पड़ेगा, तो फटाफट से फुल स्पीड अपनी बाइक को भगाने वाले हैं। और गाइस उस प्लेन का गेट खुल चुका है, चलो अंदर चलते हैं। और गाइस अभी आप देख सकते हो इस प्लेन के अंदर मैं आ चुका हूँ और ये प्लेन अभी हवा में उड़ रहा है। हमें जल्दी से जल्दी सारा का सारा गोल्ड यहाँ से उठा लेना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा गोल्ड पड़ा है और ये सारा का सारा मैं उठाने वाला हूँ। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, सारा का सारा उठाने वाले। अभी आप देख सकते हो हमारे पास हो चुके 3 लाख डॉलर। अभी देखते हैं ये सारा का सारा गोल्ड उठाने के बाद हमारे पास कितने होने वाले हैं। तो गाइस गोल्ड होता है बहुत ही ज्यादा महंगा, इसलिए आराम से हमारे पास 100 मिलियन डॉलर्स होने वाले हैं। पर देखते हैं क्या हमारे पास उससे ज्यादा कुछ होंगे, वो तो अभी पता चल ही जाएगा जब हम ये सारा का सारा गोल्ड लूटेंगे। तो फटाफट सारा सारा गोल्ड लूटते हैं। अभी आप देख सकते हो हमने सारा का सारा गोल्ड यहाँ पर लूट लिया और ये पूरा का पूरा प्लेन हमने खत्म कर दिया है। और गाइस अब हम लगाने वाले हैं इस प्लेन में बहुत सारे बम ताकि इसको ब्लास्ट कर सके, किसी को पता नहीं चलेगा हमने यहाँ पर रॉबरी करी है और यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। फटाफट से इस गेट को यहाँ से खोलते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी ये गेट खुल चुका है और हम यहाँ से जाने वाले हैं, बाय बाय। और गाइस वो प्लेन पूरा का पूरा ब्लास्ट हो चुका है और हम से निकल चुके और हमें मिल चुके 725 मिलियन डॉलर्स। 725, मुझे तो सिर्फ 100 चाहिए थे पर मुझे 700 मिल चुके हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा कैश आ चुका है हमारे पास। और ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बस अब दिक्कत ये है कि हमारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है, मुझे पहले पुलिस को एस्केप करवाना पड़ेगा। सामने से पुलिस के हेलीकॉप्टर है पर मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान है पुलिस एस्केप करवाने का, जो कि ये अभी मैं ट्रेन के ऊपर चढ़ चुका हूँ। चलो इधर फटाफट से चलते हैं, अब पुलिस वाले मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि ट्रेन बहुत ही ज्यादा स्पीड में जाने वाली है, क्योंकि मैं इसके ड्राइवर को यहाँ से मारने वाला हूँ। और गाइस अब ये ट्रेन रुकने नहीं वाली है, सीधा बिना रुके ये चलने वाली है। जब तक ये पुलिस एस्केप नहीं हो जाती मैं इस ट्रेन से उतरने नहीं वाला। तो भी आप देखो सारे के सारे पुलिस वालों को मैं मारने वाला हूँ, जितने ज्यादा मेरे पीछे पुलिस वाले होंगे सबको मैं मार दूंगा। और जैसे ही पुलिस वाले मुझे ढूंढना बंद करेंगे मैं इस ट्रेन से उतरने वाला। तो गाइस सारे के सारे पुलिस वालों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, ये मुझे नहीं पकड़ सकते क्योंकि मेरे पास है 700 मिलियन डॉलर्स। और इन 700 मिलियन से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ अपने घर को तो वापस खरीद लूंगा, पर बाकी के 600 मिलियन डॉलर्स से जिस गोकुलधाम सोसाइटी को मैं नहीं खरीद पाया उसको भी मैं वापस से खरीद पाऊंगा। तो कैसे फटाफट सारे पुलिस वालों पे हमला करते हैं। ये लो मैंने सोच लिया है, मैं वो गोकुलधाम सोसाइटी को खरीदने वाला हूँ क्योंकि कैसे वो गोकुलधाम सोसाइटी मैं आराम से 200-300 मिलियन डॉलर में खरीद लूंगा। उसके बाद वो सारी गाड़ियां भी खरीदूंगा 100 मिलियन में। उसके बाद हमारे पास 200 मिलियन डॉलर्स और बचेंगे और उनसे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फटाफट से पुलिस एस्केप करवाते हैं, फिर हम जाएंगे खरीदे अपनी गोकुलधाम सोसाइटी। तो गाइस अभी हम उसके पास आ चुके जिसने हमारे साथ स्कैम किया था। उस रेस में तूने मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम करते, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा बोल रहा था। अब देख मैं लेके आ चुका हूँ पूरे के पूरे 600 मिलियन डॉलर्स। मैंने तो तुमको सिर्फ 100 मिलियन के लिए बोला था, 600 मिलियन क्यों? 100 मिलियन तो मेरे इस घर को वापस खरीदने के लिए, बाकी के 500 मिलियन वो गोकुलधाम सोसाइटी खरीदने के लिए।
क्या तुम गोकुलधाम सोसाइटी खरीदना चाहते हो? हाँ, मैं वो गोकुलधाम सोसाइटी खरीदना चाहता हूँ और उसके साथ वो सारी की सारी गाड़ियाँ भी। और इसलिए मैं तुझे सारा का सारा गोल्ड देने वाला हूँ जो कि है 500 मिलियन डॉलर्स का। अरे वाह, तुम तो बहुत ही खतरनाक हो। ओके, मैं तुमको गोकुलधाम सोसाइटी बेच दूंगा सारा का सारा गोल्ड लेके। चलो बहुत बढ़िया। और हाँ, साथ में मैं तुम्हें 1 मिलियन और देता हूँ, मुझे इस बच्चे को थप्पड़ मारना है। अरे मारो मारो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे तेरी तो मुझे रेस में आता ना, ये ले। तो गाइज़र, अभी हमने अपना घर वापस से खरीद लिया। और गाइज़र, अपने घर को छोड़ो, हम जाने वाले हैं गोकुलधाम सोसाइटी, क्योंकि गाइज़र हमने गोकुलधाम सोसाइटी को खरीद लिया और वहाँ पे जितनी गाड़ियाँ थी उनको भी खरीद लिया। हम अपने घर पर तो वापस आ सकते हैं, पर अभी हम जा रहे देखने वाले गोकुलधाम सोसाइटी, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइज़र, मेरे पास सही में बहुत ही ज्यादा पैसा आ चुका है, मुझे मिले थे 700 मिलियन डॉलर्स और उसमें से मैंने 500 मिलियन खर्च कर दिए और अभी मेरे पास 200 मिलियन डॉलर्स और अभी भी मेरे पास 200 मिलियन डॉलर बचे। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ मैं 200 मिलियन डॉलर से क्या करना चाहिए। तो गाइज़र, अभी हम आ चुके हैं गोकुलधाम सोसाइटी, अभी हम बस इसके अंदर घुसने वाले, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मैंने कभी भी गोकुलधाम सोसाइटी देखी नहीं है, इसलिए आज हम आपके साथ देखने वाले अपनी गोकुलधाम सोसाइटी। सबसे पहले जाने वाले हम गार्डन में, सबसे पहले हम आ चुके गार्डन में और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने मस्त मस्त झूले लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही बड़ा पेड़ है जहाँ पे पूरी की पूरी टप्पू सेना बैठ के आराम से बातें करती है। कभी कभी गोकुलधाम वाले भी आके यहाँ पे पूरा कमरा चिल करते। और अभी हम आ चुके गोकुलधाम सोसाइटी, सबसे पहले यहाँ पर है गोकुलधाम का ऑफिस रूम। गाइस आप देख सकते हो ये ऑफिस रूम है जहाँ पे पूरा का पूरा भीड़ यार काम करता है। और ये हमारा क्लब हाउस, कितना खतरनाक है। और आप देख सकते हो ये सारी की सारी गाड़ियां हमारी हो चुकी है, ये सारी की सारी सुपर कार, स्पोर्ट्स कार, एसयूवी हमारी हो चुकी है। तो गाइस देखते हैं आप लोगों में से सबको क्या क्या पता है। सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ ये क्या है, आपको ये सारी की सारी चीजें कमेंट करके बतानी है क्या क्या चीजें ये है। ये है सबसे नंबर वन, फटाफट से कमेंट करके बताओ ये क्या है। नंबर टू, यहाँ पर किसका फ्लैट आता है ऊपर जाने के बाद, फटाफट से कमेंट करके बताओ। नंबर थ्री, ये किसका घर है, ये उनका घर है जो की है डॉक्टर, फटाफट से बताओ। और ऊपर, ये ऊपर वाला घर है बल्ले 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 का, फटाफट से कमेंट करके बताओ। नंबर थ्री, ये था नंबर थ्री, ये था नंबर फोर, अब बारी नंबर फाइव की, यहाँ से किसके घर जाने का रास्ता है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। नंबर सिक्स, ये किसका घर है जो किस गोकुलधाम के सेक्रेटरी भी है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। और ये सबसे मेन कैरेक्टर, ये किसका घर है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। इन सीढ़ियों से रास्ता जाता है इनके घर का, कौन है ये, फटाफट से कमेंट करके बता दो। और जिनका ये घर है उनके बापूजी यहाँ पे रहते तो उसका भी बता देना। और ये है हमारे लेखक साहब, और ये हमारे लेखक साहब का, वो फटाफट से नाम कमेंट करके बता दो। सीविंग में कौन कौन रहता है, फटाफट से कमेंट करके बता दो। इस वाले फ्लोर पे कौन रहता है और इससे ऊपर वाले फ्लोर पे कौन रहता है, फटाफट से कमेंट करके बता दो। देखते सब, देखते कौन राइट आंसर देने वाला है सारे के सारे गोकुलधाम के फ्लैट्स और जगह के। तो गाइस ये सारी की सारी गोकुलधाम सोसाइटी हमारी हो चुकी है और साथ में ये सारी की सारी गाड़ियां भी। अगर आपको पूरी की पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का अंदर से टूर चाहिए तो फटाफट से कमेंट करके बता दो, मैं आपको पूरी की पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का टूर दूंगा। पर जब तक के लिए मैं ये सारी की सारी कार चलाने वाला हूँ क्योंकि हमारा कार्स कलेक्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बताना ऐसे की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड सर्च में वापस जाके जाना, फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।